झारखंड विधानसभा चुनाव की राह इंडिया गठबंधन के लिए आसान नहीं दिख रही। गठबंधन में अब बड़े भाई की भूमिका को लेकर अभी से ही किचकिच शुरू हो गई है। सीटों पर दावेदारी को लेकर के इस बार कोई भी पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। ये रिपोर्ट। झारखंड में बड़ा भाई छोटा भाई कौन? जेएमएम कांग्रेस के बीच ठने गिरार। चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दावा, जेएमएम ने भी लगाया जोर। झारखंड विधानसभा चुनाव की राह नहीं इतनी आसान। बस यूं समझ लीजिए कि सीटों की दावेदारी है और बड़े भाई की भूमिका की लड़ाई है। दिल्ली में हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मुलाकात ने इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग की हलचल बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक इसी महीने इंडी गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा। गठबंधन की दो बड़ी पार्टी जेएमएम और कांग्रेस ने इसको लेकर होमवर्क करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका को लेकर जो बयान दिया, उससे सियासी तापमान बढ़ गया है। जो सीट वो जीतने लायक है वो वहां लड़ेंगे। जहां हमारा मजबूत संगठन है, ज्यादा मजबूत, उससे ज्यादा वहां हमारा दावा होगा। कांग्रेस खुद को बड़ा भाई कह रही है, तो जेएमएम का भी कहना है कि झारखंड में वो बड़ा भाई है और इस बात का भरोसा दिलाने में लगी है कि गठबंधन के अंदर वो सभी दलों का ख्याल रखेगी। मैंने कहा कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, तो हम अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से निभाना जानते हैं। इस बार का चुनावी रण बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि किसके दावों और किसकी कोशिशों पर जनता जीत की मुहर लगाती है। रांची से न्यूज 18 के लिए संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। एक बड़ी खबर रांची से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। पत्र में सीएम से पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आग्रह किया। कहा कि ग्राम सभा लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, लेकिन सरकार ने इसके अधिकारों को जब्त कर लिया है। संयुक्त बिहार के समय से 32 वर्षों तक पंचायत चुनाव लंबित थे, जिसे बीजेपी ने संपन्न कराकर पंचायतों को अधिकार दिए। आज चुने हुए जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी उनके अधिकार छीन लिए गए हैं। स्थिति ये है कि पंचायतों के अधिकार से संबंधित निर्णय भी जिला में बैठे पदाधिकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास, बालू घाट नीलामी, ग्रामीण हाट बाजार से संबंधित निर्णय ग्राम सभा और पंचायत समिति से न होकर के जिला स्तर से हो रहा है। तो इन्हीं सबको लेकर के बीजेपी ने, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। कोल्हान टाइगर के गढ़ सराय किला में जेएमएम का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में मंत्री दीपक गिरौआ, मंत्री रामदास सोरेन, सांसद जोबा मांझी समेत कई विधायक मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं को कोल्हान में पार्टी की एकजुटता का संदेश दिया। इस दौरान दीपक बिरवा ने कहा कि जेएमएम ने जिस तरह लड़कर झारखंड राज्य लिया, उसी तरीके से पार्टी हर परिस्थिति से लड़ना जानती है। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है और राजनीतिक परिस्थितियां कुछ बदलाव का संकेत देता है। ऐसे परिस्थिति में कार्यकर्ताओं के ऊपर दारोमदार रहता है, कार्यकर्ताओं के संयम पर जो है ना ये स्थितियां रहती है कि कार्यकर्ता क्या फैसला लेते हैं। पहले जैसा लड़कर राज लिया उसी तरीके से लड़ाई लड़ने जानता है पार्टी के कार्यकर्ता। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसके साथ ही पार्टी में शामिल होने और छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। और ऐसे में बागमारा प्रखंड में आजसू ने विशाल जनसभा सह मिलन समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य इसराफिल अंसारी और फुल्लाल अपने समर्थकों के साथ आजसू में शामिल हुए, जिनका आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने स्वागत किया। सुदेश महतो ने विस्थापन की समस्या पर कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर गंभीर होकर के नीति में संशोधन करना होगा। राफिल जी उर्फ लाला जी का आज संगठन में समागम है
और हजारों की संख्या में आज ये पार्टी में पार्टी के विचारों के साथ पार्टी के आने वाले लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये पार्टी में अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए हैं। अभी कौन सीट पर कौन लड़ेगा वो गठबंधन में बैठकर तय होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। 28 अगस्त तक जिला अध्यक्ष के पास जमा किए गए उम्मीदवारों के आवेदन को अब शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों ने हर एक विधानसभा सीट से 5 नाम बंद लिफाफे में जमा कर दिया है। क्रम जारी है, उसी की कड़ी में आज सभी जिलाध्यक्षों के साथ हम लोगों की बातें हुई। और एक बड़ी खबर रांची से, जेएससीए में विमेंस T20 का शुभारंभ। विधायक कल्पना सोरेन ने शुभारंभ किया, खिलाड़ियों के साथ ट्रॉफी का अनावरण किया। आपको बता दें कि 6 से 12 सितंबर तक विमेंस लीग T20 का आयोजन, कुल 5 टीम शामिल होंगी। और आपको बता दें कि हर दिन 2 मैच खेले जाएंगे। विमेंस T20 लीग में कुल 13 मैच खेले जाएंगे। रांची रॉयल्स, जमशेदपुर टाइटंस, धनबाद ड्रैगन शामिल। और अब वहीं आपको बता दें कि दुमका डायनामोज, बोकारो वॉरियर्स इस टीम में शामिल होंगे। जेएससीए में विमेंस T20 का शुभारंभ किया गया, विधायक कल्पना सोरेन ने इसका शुभारंभ किया है। तो आपको बताते चलें कि खिलाड़ियों के साथ ट्रॉफी का अनावरण कर दिया गया। देखिए, विधायक कल्पना सोरेन ने ट्रॉफी का अनावरण कर दिया है। यह खूबसूरत ट्रॉफी जो जीतेगा उसके हिस्से में तीसरी बार आयोजित किया जा रहा है। और मैं यहाँ पे आकर के बच्चियों को मैंने इतने एक्साइटेड, इतने कॉन्फिडेंट होते हुए देखा है। और हम लोगों ने, जैसे मेरे लिए पहली बार है, और झारखंड में जैसे आप लोगों ने हमेशा जाना है कि हॉकी का जुड़ाव है, क्रिकेट का है, लेकिन फीमेल के लिए दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। रांची का जेएससीए स्टेडियम तैयार है क्रिकेट को लेकर, और इस बार मैदान में है बेटियां। जी हां, विमेंस T20 लीग का शुभारंभ आज होने जा रहा है। और देख सकते हैं कि इस बार मैदान में रांची रॉयल्स, जमशेदपुर टाइटंस, दुमका डायमंड्स, बोकारो वॉरियर्स और धनबाद ड्रैगन्स हैं। पांचों टीम तैयार है, क्योंकि मैदान पर जब लड़ाई होगी तो रनों को लेकर लड़ाई होगी। सबसे पहले रांची टीम से बात करते हैं, इस बार तैयारी कैसी? सर बहुत अच्छा है तैयारी, और बस जीतने के लिए खेल। जीतने के लिए कैसे? सबसे मजबूत टीम कौन सी लग रही है? रांची सर, रांची रांची ही जीतेगा। देखिए जमशेदपुर मुस्कुरा रही है, जमशेदपुर की टीम। हमारी टीम सबसे मजबूत है। हाँ, हमारी टीम तैयार है खेलने के लिए, मैच खेलने के लिए। तो इस बार जो क्या ट्रॉफी उठानी? जरूर उठाएंगे। दिव्यानी दावा कर रही है दुमका की टीम। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टीम है आपकी दुमका सर, इम्पोर्टेंट के साथ स्ट्रांग भी है। और हमारी तैयारी भी पूरी है, देखते हैं फिर मैदान पे इस बार कौन जीतेगा। क्या बात है, मैदान में कौन जीतेगा? देखिए बोकारो और धनबाद की टीम मुस्कुरा रही है, रांची, जमशेदपुर और जो दुमका की टीम है चुनौती को स्वीकार कर रही है। क्या बोकारो कितना तैयार? 100% हम लोग भी जीतने के लिए ही आए हैं। जीतने के लिए आए? जी हाँ। तो टीम का सबसे मजबूत बल्लेबाज कौन सा है आपका? हमारे बहुत सारे ऑलराउंडर है, प्रीति शर्मा है, चांदमुनी है, मैं खुद कैप्टन, बहुत अच्छे बॉलर्स है। ऑलराउंडर की मजबूती यहाँ दिखेगी। धनबाद की टीम कितनी तैयार? काफी तैयारी करके आए हैं सर, और हम लोग ट्रॉफी के लिए लड़ रहे हैं। फाइनल जीत के जाएंगे, चक दे धनबाद। रन भूमि के लिए तैयार रहिए, क्योंकि सभी खिलाड़ियों की कोशिश होगी कि जेएससीए के इस टूर्नामेंट में अपना परफॉर्मेंस शानदार दिखलाकर राष्ट्रीय टीम में दस्तक दे सकें। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुमला और लोहरदगा जिले को 347 विकास योजनाओं का तोहफा दिया। लाभुकों के बीच 217 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले 5 वर्षों में आपको इतना मजबूत बनाएंगे कि आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने बलबूते अपने विकास का रास्ता तय करेंगे और राज्य की तस्वीर और तकदीर बदलने में राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जामताड़ा के सभी प्रखंड के पंचायतों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लोगों की कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। कार्यक्रम में लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। और बिरसा सिंचाई कूप योजना, सावित्री बाई फूले योजना, KCC सवर्जन पेंशन योजना, राशन कार्ड जैसे योजना से जुड़े हुए आवेदन मिले। और इस दौरान नोडल पदाधिकारियों समेत जनप्रतिनिधियों ने स्टॉल का निरीक्षण कर जानकारी दी।
मेरे पंचायत में सरकार आपके द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, ये गाँव की पंचायत को पंचायत वालों को बहुत लाभ मिल रहा है, क्योंकि वो अपने सरकार अपने द्वार पर नहीं आते थे तो लाभ नहीं ले पा रहा था। जब से सरकार ये योजना द्वार पर आए हैं तो जितना गरीब है, जागरूक नहीं है, विकलांग है, असहाय है, सभी को लाभ यहाँ मिल रहा है। अब आपको धनबाद लेकर चलते हैं, जहां पर उत्पाद विभाग के दौड़ में शामिल होने गए निरसा के रोहित सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। निरसा के रोहित सिंह गिरिडीह दौड़ में भाग लेने के लिए गए हुए थे। दौड़ के दौरान अचानक रोहित गिर पड़े। आनन फानन में गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद रोहित को धनबाद के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धनबाद से दुर्गापुर बेहतर इलाज के लिए उनको रेफर किया गया। 4 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ते हुए रोहित की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन राज्य सरकार के ऊपर लापरवाही, बदइंतजामी के कारण मौत होने का आरोप लगा रहे हैं। रोहित सिंह की शादी, आपको बता दें कि साल 2022 में ही हुई थी, एक छोटा 7 महीने का नवजात बच्चा भी था। दौड़ में आगे जिंदगी बनाने के लिए सर, कि मेरा बीवी बच्चा मम्मी पापा खुश रहे हैं सर, लेकिन उनका निराशा रह गया, सब अधूरा रह गया सपना सर। मेरे बहू का भविष्य खराब हुआ, उनके लिए हम कुछ चाह रहे हैं, कुछ उसको जो उनका पूरे लापरवाही। अब जो पेशेंट ठीक है, जो गिर गया उसको तो सुधार करने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उसका सुरक्षा करेगा ना, डॉक्टर को लगाएगा, नर्स को लगाएगा, वहाँ कोई सुविधा नहीं। 25-30 लड़का सभी बेड में पड़े, वही चाहते हैं जो मेरे बहू का कोई व्यवस्था, उसका 9 महीना 7 महीना का बच्चा है, 7 महीना का बच्चा है, बहू के लिए कुछ मिल जाए रोजगार। उत्पाद सिपाही की दौड़ में पलामू के मृतक दीपक पासवान के घर पहुंचे सांसद बीडी राम। रोती बिलखती हुई परिजनों को ढांढस बंधाया और संतावना भी दी। सांसद ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद करते हुए पीएम आवास योजना का लाभ और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और झारखंड सरकार पर जमकर हमला भी बोला। सरकार की तो ऐसे धूप में दौड़ाना नहीं चाहिए, तो बच्चे लोग के तो जान न ले रहे हैं, दौड़ा तो नहीं रहे हैं, कितना माँ के गोद सुन किए। बहुत ज्यादा उम्मीद था, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा काफी उम्मीद था, क्योंकि पूरे परिवार को उम्मीद था, क्योंकि ऐसा बच्चा था कि मतलब पढ़ने लिखने में बहुत मतलब फॉरवर्ड था, ऐसा नहीं कि मतलब कमजोर था, बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में था। नौकरी के अभाव में और अपना जो परिवार का को जो अभावग्रस्त समय को देखते हुए सभी बच्चे चाह रहे थे कि किसी न किसी प्रकार का वो नौकरी प्राप्त करें और परिवार का सहारा बने, तो नौकरी कहाँ ये सरकार देगी, ये सरकार तो उन लोगों को मौत के कुएं में धकेल दी। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चर्चा चारों तरफ है, लेकिन ये योजना अब झारखंड हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। इस योजना को लेकर हाईकोर्ट में पिछले दिनों जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें जिक्र किया गया था कि राज्य जनता के टैक्स से चलता है और उस पैसे को इस तरह मुफ्त वाली योजनाओं पर खर्च नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि रांची में इस योजना को लेकर जिस तरह स्कूल की बसें जब्त की गई और उस दिन कई निजी स्कूलें बंद रहीं, उसको लेकर याचिका में DTO के पत्र को भी शामिल किया गया है। मंशा कि वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं लोगों को, उनको केवल वोट बैंक चाहिए और वो अपने वोट बैंक का और सारा चीज करने के लिए आज जो है ये देखिए लेटर, ये लेटर है DTO का, इसको ध्यान से देखिए, ये DTO का लेटर जो है ये बोलता है कि आप कहीं से भी सीरियस नहीं है एजुकेशन के लिए। अब आपको धनबाद लेकर चलते हैं, जहां पर पानी की समस्या को लेकर आक्रोशित महिलाओं ने सड़क को जाम कर दिया। लगभग 25 दिनों से जमुनिया ग्रामीण क्षेत्र में पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण महिलाएं अब सड़क पर उतर गई। सड़क जाम की सूचना मिलते ही पेयजल आपूर्ति विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे। महिलाओं ने खूब खरी खोटी सुनाई। बातचीत के दौरान सप्ताह में 2 दिन पानी आपूर्ति करने की बात पर सहमति बनी। 6 दिन के बाद खुलेगा, अभी तक मिला नहीं। नहीं, अभी तक मिला नहीं, के बस हम लोग को पानी मिलना चाहिए, एक दिन पानी मिलना चाहिए। गोड्डा के बलबड्डा थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। हाल का मामला पारसनाथ के +2 उच्च विद्यालय का है, जहां पर चोरों ने स्कूल से लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना में चोरों ने 6 बैटरी, स्टेबलाइजर और वहीं बफर, UPS समेत कई सामान चोरी कर लिया। फिलहाल पुलिस चोरी की तलाश में जुटी हुई।
चोर की तलाश में फिलहाल पुलिस अब छानबीन कर रही है। कुर्सी यहाँ पे चोरी हुआ है, प्रिंटर गायब है, प्रिंटर का पूरा सेट है, यूपीएस है, स्टेबलाइजर है और एक्साइड का 6-6 बैटरी था, पंखा गायब है, पंखा भी चोरी हुई है, उसके अलावा चार्जर था और प्रिंटर का पूरा सेट और कुछ उपकरण है छोटे से छोटे वो गायब। लगभग कितने की चोरी हुई? लाखों रुपया के करीब चोरी हुआ। खबर दुमका से है जहां पर जामा थाना क्षेत्र से बीएसएनएल टावर से बैटरी चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने बैटरी चोरी मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान गिरोह के 11 सदस्य के नाम का खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बैटरी, मोटरसाइकिल और वहीं गाड़ी, मोबाइल फोन समेत कई सामान जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। चोरी किए गए कुछ बैटरी और उसके डब्बे को उन लोगों ने अपने निशानदेही में बरामद कराया और चोरी करने के लिए जो बोलेरो और स्कॉर्पियो का इस्तेमाल करते थे, साथ ही साथ बाइक का इस्तेमाल रेकी के लिए भी करते थे। दो बाइक और एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो हम लोगों ने उन लोग के पास से रिकवर किया है और चोरी गए बैटरी भी रिकवर किया है। साथ ही साथ अभी अन्य जो बताए इनके साथी, उनकी गिरफ्तारी शेष है। यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।